भगवान जो चाहेगा वही होगा। इस दुनिया में भगवान के इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। महाभारत का युद्ध हो रहा था, कौरवों पर विजय प्राप्त की है पांडवों ने, सायंकाल की वेला है, महाराज श्री कृष्ण गए युधिष्ठिर जी महाराज के पास, भैया आज चलो हम लोग चलते हैं जमुना किनारे भ्रमण करने, चले गए भ्रमण करने। रात्रि में अश्वत्थामा आया, पांच पांडव समझकर पांच पुत्रों का सर काट कर ले गया। शुभदेव द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी विलाप करने लगी अपने पांचों पुत्रों के शव को लेकर। भगवान कृष्ण के साथ समस्त पांडव आए, भगवान कृष्ण से पूछा ये कैसे हुआ। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, ये तो नियति थी, अगर हम तुमको लेकर के नहीं जाते तो तुम पांचों यहां पर सोए हुए होते शव अवस्था में, वो तो हम थे जो तुमको लेकर के चले गए। बोले आप जानते थे और फिर भी आप इन पांच पुत्रों को बचा नहीं पाए। भगवान ने कहा मैं कौन होता हूं बचाने वाला, जो सारी सृष्टि मेरे ही अधीनस्थ है और मैंने ही तय किया है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव वंशज लोगों की मृत्यु होगी, तो मैं बचाने वाला कौन होता, मैंने तुमको बचा दिया क्योंकि वचन दिया है, इन पांच पुत्रों को बचाने का वचन नहीं दिया। अश्वत्थामा को ढूंढने भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन जी महाराज निकल पड़े। अश्वत्थामा ने देखा ये तो हमको पकड़ लेगा मार देगा, महाराज अर्जुन जी महाराज पर ब्रह्मास्त्र तान दिया और संधान करके चला भी दिया। अर्जुन जी महाराज गांडीव रख दिए, बाण रख दिए और हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, वही स्थिति आ गई जो महाभारत के प्रथम दिन थी। अरे कृष्ण अब मैं इन पर इस पर बाण कैसे चलाऊं, कृष्ण अब मैं इसको बंदी कैसे बनाऊं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना अपवर्गोऽसि संसृते। प्रभु अब आप ही मेरी रक्षा करो, आपने तो मेरी मां को वचन दिया है ना, आप हम पांचों पांडवों की रक्षा करोगे, आप हम पांचों पांडवों की सुरक्षा करोगे, हमें जीवित रखोगे ऐसा वचन दिया है, आज ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला दे रहा है, बचाओ मुझे। भगवान कहते दैव दैव आलसी पुकारा हा? मैंने तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी थोड़े नहीं ली है, तुम्हें जीवित रखने की जिम्मेदारी ली है। जीवित तो पितामह भीष्म भी है, रख लूंगा तुमको जीवित। अर्जुन ने कहा महाराज ये कैसी बात कर रहे हो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला देगा, जला हुआ शरीर लेकर जीवित रहकर क्या करूंगा। बोले तुम्हें तो बड़ा भरोसा था अपने गांडीव पर, चढ़ाओ प्रत्यंचा प्रमाण और चला दो ब्रह्मास्त्र पर। महाराज भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अचंभित रह गए अर्जुन जी महाराज। अर्जुन जी विचार में पड़ गए ये कृष्ण को क्या हो गया। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले अर्जुन हर समय हर पीड़ा के समय हर संकट में यदि आप हमें ही पुकारोगे तो क्या हर समय हर अवस्था में मैं आपकी सुरक्षा के लिए उपस्थित हो पाऊंगा क्या। नहीं महाराज आप तो हर समय हमारी सुरक्षा के लिए उपस्थित नहीं रह सकते। बोले तो फिर आज आपको ही अपनी सुरक्षा करनी होगी, आज आपको स्वयं बचना होगा। महाराज अर्जुन ने कहा अब क्या करूं, इस ब्रह्मास्त्र का काट क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस ब्रह्मास्त्र का काट तो ब्रह्मास्त्र ही है, और ब्रह्मास्त्र को काट करके ब्रह्मास्त्र से प्रलय की अवस्था पैदा करना भी एक योद्धा का धर्म नहीं है। अर्जुन कहते महाराज ये नहीं हो सकता, जब ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराएगा तो अकारण ही धरती पर प्रलय आ जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुमने पूरे धरती का ठीका ले रखा है या अपने प्राणों का,
अगर पूरी धरती रहेगी तो तुम भी रहोगे, और जब तुम नहीं रहोगे तो पूरी धरती भी नहीं रहेगी। इसलिए चढ़ाओ धनुष पर ब्रह्मास्त्र और संधान कर दो। अर्जुन जी महाराज विस्मय में पड़ गए। ये जो दुनिया का रक्षक है, ये जो दुनिया का पालनहार है, ये आज ऐसी कैसी बातें कर रहा है। करो जब मैंने भीषण रणभेरी हस्तिनापुर की सभा में बजाया था, मैंने ही कहा था दुर्योधन से, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का न मूल्य पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। याद कर उस दिन मैंने कहा था या तो जीवन होगा या तो मरण होगा, और इतना ही नहीं, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसे की भू पर बंधी प्रहर, फड़शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं वैसा। क्या इस युद्ध में अभी तक नक्षत्र टकराए आपस में? अर्जुन कहते हैं महाराज अगर इस युद्ध में नक्षत्र आपस में टकराने लग जाएंगे तो फिर प्रलय आ जाएगा। बोले वही प्रलय तो अब लाना है तुझे, अब वही प्रलय लाना है, मेरी बात को सिद्ध करना होगा। मैंने कहा था नक्षत्र से नक्षत्र टकराएंगे, तो आज नक्षत्रों से नक्षत्रों को टकराना होगा, आज ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से टकराना होगा। ये कैसा युद्ध है, भाई पर टूटेंगे भाई, बिस बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। भगवान कृष्ण ने कहा था इस युद्ध का परिणाम वही होगा कि अब आपका सगा ही आप पर तलवार लेकर टूट पड़ेगा, आपका सगा ही आपको भाले से गोंद गोंद कर मार देगा, और तो और मनुजता मर जाएगी, मनुष्य का सौभाग्य मर जाएगा, कुत्ते और सियार वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आज वही दिन आ गया, कुत्ते और सियार मांस खा रहे हैं बड़े बड़े योद्धाओं के, उन योद्धाओं के जो योद्धा रणभूमि में उतरते थे महाराज तो पूरे युद्ध का निर्णय बदल जाता था, ऐसे योद्धा आज भूषाई है और वायस श्रृगाल उनके मांस को नोच नोच कर खा रहे। भगवान कृष्ण ने जो पहले कहा था वो आज हो रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा आज तुझे मेरी वो बात सत्य करनी होगी, अगर आज तूने मेरी बात सत्य नहीं की तो फिर मेरा पार्थ कैसा, तो मेरा मित्र कैसा, तो मेरा शिष्य कैसा, सारे संकल्प तो पूरे हो गए, बस वही एक ही उद्घोष बाकी रह गया। महाराज अर्जुन जी ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया, ऋषियों ने देखा ये तो प्रलय की स्थिति आ गई, अब तो आग फूटेगा पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मास्त्र का टकराना, ब्रह्मांड का उथल पुथल हो जाना, इस संसार का समाप्त हो जाना। महाराज भगवान को यदि कोई मना सकता है ना, भगवान को भी यदि कोई चुप करा सकता है तो वो है संत। भगवान कहते हैं अर्जुन जी महाराज ने पूछा प्रभु आप सबसे अधिक प्रेम किसे करते हो? बोले सबसे अधिक प्रेम मैं अपने भक्त से करता हूं, जो सब कुछ छोड़ करके मेरी नाम की माला जपता है मैं उसी को सबसे अधिक प्रेम करता हूं। क्या गृहस्थों को प्रेम नहीं करते? बोले करता हूं, जो अपने व्यस्तम दिनचर्या से समय निकाल करके मेरे लिए कुछ समय निकालते हैं और मेरा नाम जपते हैं मैं उनको भी प्रेम करता हूं। महाराज ये साधु आ गए, साधुओं ने कहा ये क्या कर रहे हो कृष्ण गोविंद, ये आप कह रहे थे क्या इस ब्रह्मांड में प्रलय आ जाए, रोकना होगा इसे। गोविंद ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, ना तो मैं उधर से ब्रह्मास्त्र चलाया ना मैंने इधर से ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र चलाने वाले दो योद्धा हैं और उन दो योद्धाओं में से एक योद्धा का मैं सारथी मात्र हूं, ड्राइवर मात्र,
मेरा महारथी जहां कहेगा मैं वहीं पर गाड़ी मोड़ दूंगा, रथ मोड़ दूंगा। मेरा काम केवल रथ को हांकना है, बाणों को चलाना या बाणों को निष्क्रिय करना नहीं। अर्जुन जी महाराज ये भाषा सुने तो सन्न रह गए, बोले ये क्या गोविंद, ये क्या। भगवान गोविंद कहते हम भक्तन के भक्त हमारे, अर्जुन यह प्रतिज्ञा मेरी यह बात टरही नहीं टारे। भक्तों के आप हो लेकिन ये क्या, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ब्रह्मास्त्र चलाओ प्रलय आता है तो आने दो, अब आप कह रहे हो आपका कोई रोल नहीं। बोले अब मैं अपनी